नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ पाक विधि में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना का बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता। अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसमें भी इसे बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक पैकेट साबूदाना ले रही हूँ। तो देखिए ये छोटा वाला है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो देखिए तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके साबूदाना। तो इसमें आधा साबूदाना डाल देंगे। तेल बढ़िया से गर्म होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही डाले ये सारे फूल करके ऊपर आ गए हैं। तो देखिए ये लावा की तरह फूट करके तेल के ऊपर आ गया है। इसे चलाते हुए इसका हल्का कलर चेंज कर लेंगे। अब इसे छन्ना से इस तरह से छान लेंगे। तो इसको बढ़िया से छानेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल नीचे आ जाए। कई बार होता है कि हम इसे फुला नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरह से फ्राई करके हम आसानी से नाश्ता बना सकते हैं। अब लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें ये सारा डाल देंगे और इसे दो चम्मच बचा लेंगे। इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 उबले हुए आलू। आलू को बढ़िया से इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप इसके जगह इसको मेस भी कर सकते हैं। तो हमने आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। तो ये बड़ा वाला हरी मिर्च है, तो इसको इस तरह से छोटा छोटा पीस में काट करके डालेंगे। अब इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। तो सारा पेस्ट इस तरह से निकाल करके डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी गेहूँ का आटा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डालेंगे आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी आधा चम्मच नमक। अब इसमें हमने जो बचा करके साबूदाना रखे थे वो डाल देंगे। इससे इसमें क्रंच बढ़िया आएगा। अब इसको बढ़िया से गूँथ लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए हमने इसको अच्छे से गूँथ लिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब वापस से आटा लेंगे और इसे एक दो बार बढ़िया से मसल लेंगे। अब इससे थोड़ा सा आटा इस तरह से तोड़ेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उससे थोड़ा बड़ा। अब इसका एक लोहिया बनाएंगे। तो इसको हथेली पर बढ़िया से इस तरह से घुमाते हुए इसका एक लोई बना लेंगे। इसे हल्का इस तरह से दबा देंगे और इसको चारों तरफ से बढ़िया से गोल कर लेंगे। अब लेंगे एक पन्नी। तो मैं यहाँ पर ये पैकेट वाला मुढ़ी होता है वही पन्नी ले रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला पन्नी ना हो तो आप कोई भी मोटा पन्नी ले सकते हैं। अब एक प्लेट लेंगे और इसको ज़ोर से इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। तो देखिए कितना जल्दी हमारा कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है, और ना ही इसे बेलने का झंझट। अब गैस पर एक तवा रखेंगे और इस पर थोड़ा सा तेल या घी लगा देंगे। अब पराठा का पन्नी इस तरह से निकाल देंगे और पराठा को इस तरह से तवा में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 3 मिनट बाद इसको दूसरे साइड पलटाएंगे। तो इसको बढ़िया से इस तरह से दूसरे साइड पलटा देंगे। इसे फिर से वापस दूसरे साइड पलटाएंगे। अब इस पर थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे। तो ये थोड़ा सूख गया है इसके ऊपर, और इस तरह से तेल लगा देंगे। तो इसे उल्टाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को एक और पराठा बना करके दिखाती हूँ। तो इसके अंदर इस तरह से पूरी रखेंगे और इसको इस तरह से ढक देंगे। अब वापस से वही प्लेट लेंगे और इसको ज़ोर से दबाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। तो देखिए इसे एक बार और दबाएंगे। तो देखिए हमारा पराठा कितना जल्दी बनकर तैयार है। अब इसे वापस से तवा पर डाल देंगे। डालने के 3 मिनट बाद इसको दूसरे साइड पलटाएंगे। तो ये थोड़ा ऊपर से सूख गया है, इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा देंगे। इसे उल्टाते पलटाते दोनों साइड से बढ़िया से पका लेंगे। अब इसे भी निकाल लेंगे, बाकी के सारा इसी तरह से पका लेंगे। तो दोस्तों है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। आप इसे अगर व्रत में खाना चाहते हैं तो दही के साथ खाइए, अगर वैसे खाना है तो किसी भी चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।